चौधरी साहब, उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूं। 5.5 साल जो मैं सरकारी ससुराल में रहा, सब उनकी तो मेहरबानी है। जेल की कोठरी में एक एक दिन मैंने उस बुड्ढे को याद किया है। सोचा था जिस दिन जेल से बाहर निकलूंगा ना, सबसे पहले उसे निपटाऊंगा। अब सरकारी ठेकों में पैसा कौन नहीं खाता है। मैंने भी चौधरी साहब से कहा था कि आप भी अपना हिस्सा रख लीजिए, लेकिन नहीं, तब तो साक्षात धर्मदेव बन गए थे। पुलिस बुला ली थी, पुलिस मुझे मेरे घर से घसीटते हुए लेके गई थी। पूरे गांव के सामने तमाशा बन गया था मेरा। लेकिन अब मेरी बारी है, मेरी बारी है। अब चौधरी साहब या उसके बेटे को अगर जेल की हवा नहीं खिलाई ना, तो मेरा नाम भी बलबीर नहीं।